शहर के चिड़ियाघर में एक बार फिर से किलकारियां का शोर सुनाई दे रहा है। चिड़ियाघर में खुशी का माहौल है क्योंकि मादा बाघिन मीरा ने 3 नन्हे टाइगर शावकों को जन्म दिया है। यह 3 शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की टीम की निगरानी में हैं। चिड़ियाघर के क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया कि चिड़ियाघर में सफ़ेद मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें 1 सफ़ेद और 2 पीले शावक हैं, और अब इन्हें 45 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये हमारे यहाँ जो वाइट टाइगर है मीरा, उसके द्वारा अभी सुबह 11:30 के बाद जो 3 बच्चों को जन्म दिया गया है, जिसमें 2 येलो हैं और 1 वाइट है जो है। और उसका जो मेल था वो लव से उसको मैट कराया गया था, और तीनों ही शावक स्वस्थ हैं और माँ उनको फीडिंग करा रही है प्रॉपर जो है। हम लोगों ने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, तो कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है एनिमल कीपर की, कितने कितने घंटे में बच्चे दूध पी रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उस सब पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बट में न्यू बोर्न बेबी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर अपन लोग ना तो उस एनक्लोजर में जा सकते ज़्यादा, ना उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, और ना ही उनको मेल फीमेल के लिए ऑर्गन चेक कर सकते हैं। तो वो तो थोड़े दिनों बाद जब उनकी एक्टिविटीज़ होंगी तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने नर हैं कितनी मादी हैं। अब टोटल अपने यहाँ जो टाइगर की संख्या है वो 10 हो गई है जो है। उसमें 4 मेल हैं, 3 फीमेल हैं और 3 बच्चे हैं जो है। 1 वाइट है ना, और उसकी मदर भी वाइट है पहले से। शेड्यूल में तो जनरली अब जिस टाइम बर्थ होती है प्रेगनेंसी पीरियड में, हम लोग उनको जो है चिकन और चिकन सूप प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में बच्चों के लिए जो है ताकि मदर का मिल्क अच्छा है तो एग और मिल्क दोनों को मैश करके वो भी देते हैं। ग्वालियर में जो इनकी मदर थी 2011 में आई थी जमुना जो है, उसकी बच्ची थी मीरा जो है, और अपने यहाँ की बॉर्न है मीरा जो है, यहीं चिड़ियाघर की बॉर्न है मीरा जो है, और मीरा द्वारा लगातार 3री बार बच्चों को जन्म दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 60 दिन पहले भी गांधी प्राणी उद्यान में टाइगर दुर्गा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, और अब मीरा के द्वारा जन्मे गए इन बच्चों के बाद इनकी संख्या कुल 10 हो गई है, जिससे चिड़ियाघर में काफ़ी खुशी की लहर है। विजय राठौर, न्यूज़ 18, ग्वालियर।